एनटीपीसी ऊंचा हार के सीएसआर से उमरा नाली की सफाई का कार्य पूजा अर्चना के बाद शुरू करवा दिया गया। रविवार की प्रातः बीजेपी ऊंचा हार की विधानसभा संयोजक जितेंद्र सिंह व उमरन प्रधान प्रतिनिधि रिंकू सिंह की अगुवाई में क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन ग्राम प्रधानों व पूर्व प्रधानों सहित क्षेत्र के सम्रांत व्यक्तियों ने क्षेत्र के पटेलवा चौराहे के निकट माँ आदि शक्ति की पूजा अर्चना के साथ नाले की सफाई का कार्य शुरू करवाया। आपकी जानकारी के लिए बताते चलेंगे, एनटीपीसी के सीएसआर द्वारा हर वर्ष लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में इस नाले की सफाई कार्य करवाया जाता है, जो उमरन झील कलेहे झील होते हुए बकलाही ड्रेन से मिलकर कुंडा के निकट एक मुख्य नाले में जाके गिराया जाता है और इसी नाले के माध्यम से इसका सारा पानी गंगा नदी में मिलाया जाता है। बीजेपी के ऊंचाहार विधानसभा संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नाले की सफाई से क्षेत्र के उमरन मुरारमऊ रायपुर कलेहे भुआलपुर मदारीपुर इच्छनिया सरपताहा बल्दुकपुरवा गंगेहर फाई से सभी किसानों की समस्या से निजात मिल सकेगा। इस मौके पर उमरन प्रधान प्रतिनिधि रणजीत सिंह रिंकू मदारीपुर ग्राम प्रधान मनीष सिंह सराय सहजन ग्राम प्रधान शिव कुमार मुरारमऊ के प्रधान कन्हई मुरारमऊ के पूर्व प्रधान झल्लू शिवबरन मिश्र गुड्डू यादव महेश पांडे प्रमोद वाजपेयी सुशील चौसिया अहमद भूपेंद्र संतलाल पटेल सहित क्षेत्र के तमाम प्रधान पूर्व प्रधान तथा क्षेत्रीय सम्मान व्यक्ति मौजूद रहे। ऊंचा हार रायबरेली से सादा समय लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो परिचय क्या है? जितेंद्र सिंह विधानसभा संयोजक भाजपा ऊंचा हार। आपके मुरादमऊ में आज क्या प्रोग्राम था? आज ये चूँकि एक नाला निकलता है उमरन झील से लेकर के मुरारमऊ होते हुए भुआलपुर मदारीपुर इच्छनिया सरपताहा और उधर तमाम गांवों को प्रभावित करते हुए रायपुर बल्दुकपुरवा गंगहरा इन सब ग्राम सभाओं के बीच से एक नाला निकलता है जो तालाब है उमरन तालाब उससे होते हुए जो कलेह झील है उसके जल निकासी की व्यवस्था इस नाले के माध्यम से होती है और इसको प्रत्येक वर्ष एनटीपीसी द्वारा सफाई कराई जाती है जिससे इधर ग्रामीणों के खेतों में जो जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है वो नहीं पैदा होती, फसलें अच्छी पैदा होती हैं। हजारों एकड़ ज़मीन जो पानी में डूब जाती थी उससे काफ़ी राहत मिल जाती है। ये एक बड़ा भारी काम। क्या ये कलेहे झील का पानी था जो जिससे फसलों को नुकसान होता था? हाँ, फसलों का नुकसान होता है लेकिन कलेह झील का पानी है, उमरन झील का पानी है, लेकिन इस नाले की सफाई हो जाने के बाद खेतों में पानी नहीं जाता और फसल अच्छी पैदा। अच्छा, ये नाला जो है आखिर इसका छोर कहाँ, इसका जल कहाँ जाएगा? इसका बाद में प्रतापगढ़ के साथ उसमें जाता है बॉर्डर पार करके, ये कुंडा में जो निकलता है जो एक बरही वाला पुल है वहाँ से गंगा जी में जाता है। काफ़ी लंबा है, 45 किलोमीटर लंबा है नाला है।